हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं इडलियों का बहुत ही अच्छा और अलग नाश्ता, जिसको हम इडली उपमा भी कह सकते हैं। हम एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे, उसमें राई और करी पत्ता, थोड़ा सा हींग, इन सब का हम छौंक लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें सब्जियां डालेंगे, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची। ये सब डालने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर उसको हम थोड़ा सा, फिर उसमें टमाटो कैचअप डालेंगे, फिर थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसको 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, अच्छे से हिलाते हुए। पकाने के बाद हम इसमें इडलियों को काट कर टुकड़े करके रख लेंगे 4-4 पीसेज में। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद तैयार है हमारा इडली उपमा, इडली का बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी नाश्ता। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों।